अगर मैं आपसे कहूं कि आप 5 मिनट में घर बैठे डोसा बना सकते हो और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, वो भी बिना दाल चावल भिगोए, बिना इनो, बिना दही, बिना सोडा, तो आपको यकीन नहीं होगा। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट डोसा की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसे मैंने कच्चे आलू और 1 कप गेहूं के आटे से बनाए हैं और इसके साथ ही साथ इसमें खाई जाने वाली डोसा की बेहतरीन चटनी की रेसिपी भी प्रोवाइड करा रही हूं। तो इंस्टेंट डोसा की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेसिपी बनाना शुरू करते बट एक लाइक जरूर करना। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमने एक बड़े साइज से थोड़ा छोटे साइज का, मीडियम साइज का हमने एक आलू लिया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने उसको धो लिया था, उसके छिलके उतार लिए, और इस तरीके के छोटा वाला जो हमारा ग्रेटर होता है उससे हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो छोटे वाले ग्रेटर का ही यूज़ करिएगा फ्रेंड्स, यही इसके लिए बेहतर होगा। बड़ा वाला करेंगे तो इसका डोसा अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से सारे आलू को हमने ग्रेट कर लिया। 1 कप हम गेहूँ का आटा लेते हैं और इसमें हम 1/2 कप हमने इसमें सूजी लिया है। फ्रेंड्स, जिस बर्तन से आपने आटा और सूजी नापा है उसी बर्तन से हमको पानी भी लेना है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें 1 कप पानी लेते हैं, तो इसी बर्तन से हमने किया है। तो आप चाहें तो कटोरी वगैरह का मेजरमेंट ले सकते हैं। तो हमने इसमें 1 कप पानी डाला है। पानी को बहुत ही धीरे धीरे डालना है, इकट्ठा मत डालिएगा नहीं इसमें गांठें पड़ जाएगी। इस तरीके से अब चम्मच से इसे मिलाते जाइए। तो हमने 1 कप पूरा इसमें डाल दिया है, इसको चलाते रहिए और थोड़ी देर के बाद ये होगा। इसी कंसिस्टेंसी हमको मेंटेन करना है फ्रेंड्स। तो इसमें हमें 1 कप पानी और डलेगा। तो डोसा है तो इसका जो बटर होता है बहुत ही पतला बनेगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने 2 कप भी इसमें डाल लिया है। अब इसको हम बढ़िया से मिला लेंगे फ्रेंड्स अच्छे से, और इसमें 1/2 कप पानी हम और डाल दे रहे हैं। तो अभी सूजी हमारी फूलेगी हुई, तो शायद थोड़ा सा पानी और ले। तो फ्रेंड्स, हम इस तरीके से बना ले रहे हैं, और इसमें हमने 1 इंच हमने अदरक को हमने ग्रेट करके लिया था फ्रेंड्स, उसे हमने डाल दिया। अदरक का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा होता है। 2 हमने हरी मिर्च लिया, उसको कट कर लिया था। 1/2 टीस्पून हमने इसमें जीरा लिया है। 1 मीडियम साइज़ का नींबू था, उसका हमने रस ले लिया है फ्रेंड्स। 1 चम्मच हमने इसमें नमक लिया है। 1/2 टीस्पून इसमें हमने चाट मसाला लिया है। थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी लिया, और थोड़ी सी हमने हरी धनिया लिया। हरी धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा फ्रेंड्स, चाट मसाले के इसमें फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो जैसे हमने मसाला बताया है आप वैसे ही लेना, इसको बढ़िया से आप मिला लेना इस तरीके से। अब इसमें हमने थोड़े से 1.5 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद तेल लिया। तो फ्रेंड्स, ये इसमें बढ़िया सा क्रिस्प इस पर आएगा। तो अगर है तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आलू से और इससे ही इसका क्रिस्प आना है। तो इस तरीके से हम इसे ढक के किनारे रखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़िया से हम इसकी चटनी बना लेते हैं। तो छोटे वाले मिक्सर जार में हमने लिया है, उसमें 1/2 कप हमने इसमें दही लिया है। तो दही मेरा थोड़ा पतला है, मैंने इसे फेंट के रखा था, तो आप 3 से 4 टेबल स्पून ले लेना। 3 से 4 टेबल स्पून हमने इसमें मूँगफली लिया, ये मेरी रोस्ट की मूँगफली है। 1 टेबल स्पून हमने डेसिकेटेड नारियल लिया हुआ है। तो ये 2 से 3 आप हरी मिर्च ले लेना। 1/2 हमने अदरक लिया है, 1/2 इंच का टुकड़ा था, और इसमें थोड़ी सी हमने हरी धनिया लिया है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप डाल लेना, और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लेना। हमने 1/2 टीस्पून डाला है फ्रेंड्स। इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, फटाक से हम ग्राइंड करके लाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इसको हम निकाल के किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। देखिए इस तरीके से, ये देखिए दूसरे बर्तन में हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसमें हम थोड़ा सा इसका बघार लगाते हैं, क्योंकि डोसे की चटनी ऐसे ही बनती है। और हमने जो मूँगफली लिया है, आप इसकी जगह पे भुने हुए चने भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हमने तेल लिया है, और उसके अंदर थोड़ी सी हमने मस्टर्ड सीड लिया है। मेरे पास करी पत्ता नहीं है, तो हमने छोटे साइज़ का तेज़पत्ता ले लिया है फ्रेंड्स। और एक हमने लाल मिर्च लिया है, डाल के हम इसका बघार लगा देते हैं फ्रेंड्स। ये चटनी बहुत ही बढ़िया होती है। डोसे की बनाने वाली चटनी भी आपके साथ हमने शेयर किया है, इस चटनी से टेस्ट बढ़िया आएगा इसका। अब देखिए, इधर हम देखते हैं, इसको हम खोल लेते हैं। तो थोड़ी देर ये हो गई थी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, इसको हम एक बार अच्छे से चला दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये बैठ गया था और सूजी थोड़ी सी फूल गई है। तो इसमें थोड़ा सा पानी और पड़ेगा फ्रेंड्स। तो जिस कप से हमने मेजरमेंट आपको दिया है, तो 1/2 कप हमने उसी से कप से पानी इसमें और डाल दिया। अच्छे से इसको आप मिक्स कर ले, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख ले फ्रेंड्स। थोड़ा पतला मट्ठे की तरह ये होना चाहिए, तभी इसका बढ़िया बनेगा। अब हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया, उसको हाई फ्लेम पे बढ़िया से आप गर्म कर लीजिएगा, और थोड़ा सा ऑयल से उसे ग्रीस कर दे फ्रेंड्स। तो ये हाई फ्लेम पर ही बनेगा। तो इस तरीके से देखिए, हमने इसको ग्रीस कर दिया, नॉन स्टिक पैन ही लीजिएगा। अब देखिए, इस तरीके से हम इसको चला लेते हैं, इसलिए कि आटा, सूजी और आलू सब बैठ जाएगा फ्रेंड्स। चलाना बहुत ही ज़रूरी है।
अब इस तरीके से एक एक चम्मच आप इसमें डालिए। अगर आपको बड़ा एक साथ डालना है तो एक एक कटोरी में डाल करके आप इस तरीके से कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप डालोगे ना तो थोड़ा सा ये फूलने लगेगा, तो बीच में जिस तरीके से जो बबल्स उठ रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे जिससे नीचे ये जा करके जब आलू है ना तो नीचे ये तो थोड़ा सा गोल्डन कलर का बन जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनता है फ्रेंड्स। थोड़ी देर के बाद आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा, जो छोटे छोटे छेद है ना उससे ये ऑयल नीचे पहुंच जाएगा और इसी से ये बहुत ही बढ़िया बनेगा फ्रेंड्स। अगर आपका तवा बड़ा है ना तो चौतरफा आप थोड़ा सा इसको इधर उधर करके नचा लीजिएगा ताकि कहीं से भी कच्चा न रह जाए। तो जब शुरू में आप इसका बैटर डालिएगा ना तो थोड़ा सा आप हाई फ्लेम पर ही डालिएगा, उसके बाद आप चाहें तो फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट में एक डोसा आपका बन के तैयार हो जाता है, तो फटाक से इसे कर लीजिए। और इसके बाद दूसरा बनाने से पहले आप टिश्यू पेपर से इसे साफ कर ले, फिर इसको हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो ने बताया जिस तरीके से ही करिएगा, तो हम थोड़ा सा वीडियो को लंबा खींचेंगे ताकि आपको अच्छा सा आ जाए। इसके बाद हम इस तरीके से, देखिए बैटर को मैंने चम्मच से ही डाला है, तो इस तरीके से आप डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। इस वक्त हाई फ्लेम आप रखिएगा और बैटर डालने के बाद फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब भी सूखने लगेगा तो आप इसमें ऑयल डालिएगा फ्रेंड्स। तवा थोड़ा बड़ा है तो आप चौतरफा इसको नचा लीजिएगा, कहने का मतलब ये कि हर तरफ से इसमें हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं से कच्चा रह जाए कहीं से पक्का रह जाए। तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा, ऑयल अच्छे से डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से जैसे मैं तवे को घुमा रही हूँ आप इस तरीके से बड़े तवे में कर लीजिएगा, छोटा तवा है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी कर लें। थोड़ी देर के बाद ये तवा छोड़ देगा, तो नॉन स्टिक पैन ये बहुत ही बढ़िया से बन जाता है, तो ये खटाक से पैन खुद ही छोड़ने लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको मोड़ लीजिए और ये देखिए 3 से 4 मिनट में आपका दूसरा डोसा बन के तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने एक एक करके सारे डोसे बना लिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जब मैं डोसे का मेरा बैटर तैयार हुआ था उसके बाद लाइट चली गई, तकरीबन 2.5 घंटे के बाद लाइट आई, तो वीडियो तो नहीं बन पाया। उसके बाद 2.5 घंटे के बाद मैंने इसे बनाया, उसके बाद भी इसका बैटर इतना बढ़िया था और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये कि आप इसको रख भी सकती हो और जब आपका दिल करे तब आप फटाक से गरम गरम बनाएं, क्योंकि रखने के बाद तो ये मुलायम पड़ ही जाएगा, डोसा ऐसे ही होता है। तो जब आपको बनाना हो तभी आप गरम गरम बनाएं। और जो चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ प्रोवाइड किया है, इससे बढ़िया चटनी हमारे चैनल पर अपलोड है, ग्रीन चटनी। आप ग्रीन चटनी बना लें और चाट के साथ जो हम लोग लाल चटनी का यूज़ करते हैं तो वो लाल वाली चटनी और ग्रीन चटनी, और इसके अलावा थोड़ा सा आप जो रायता होता है थोड़ा सा मट्ठी की तरह रायता बना लीजिए, उससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो घर बैठे आप डोसे का एंजॉय कर सकते हो फ्रेंड, और 5 मिनट में फटाक से बन जाता है और सब फैमिली मेंबर्स को आराम से हम दे सकते हैं। हम लोग बाहर से भी खाते हैं फ्रेंड्स, तो दिल नहीं भरता कि बच्चे और कोई ना कोई तो घर में रह ही जाता है, तो अब हमें इस तरह की टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे ही बना सकते हैं और पूरे फैमिली मेंबर्स और जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताइएगा, हमारे कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा, थोड़ी सी आप तारीफ कर देंगे तो हमें खुशी होगी। तो हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ इस तरीके की बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज देख के फ्रेंड्स मैं आती रहती हूँ, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको डोसा बहुत ही बढ़िया लगेगा। ना हमको इनो मिलाना पड़ा, ना ही हमको इसमें दही मिलानी पड़ी, ना हमको दाल चावल भिगो के रखना पड़ेगा, तो इंस्टेंट डोसा हमारा घर पे बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स, और बहुत ही क्रिस्पी है। मैं इसका टेस्ट करके आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। देखिए इस चटनी के साथ बहुत ही अच्छा लगा, बट हरी चटनी और लाल चटनी के साथ ये और भी टेस्टी लगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बना ले, बहुत जल्दी मैं लाल चटनी की भी रेसिपी अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी। तो रायते की रेसिपी हमारे चैनल पर होगी, आप वहां से देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।